आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि रात को आप सोने से पहले तय करके रखा है कि कल मैं पूरे दिन में इस बुक की इस चैप्टर को खत्म करूंगा, और फिर अगले दिन सुबह आप उठे और उठते ही आपने सोचा, चलो यार व्हाट्सएप पे किस किस ने क्या क्या भेजा है एक बार देख लेता हूँ। अरे कल जल्दी सो गया था, एक बार फेसबुक के नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ। और आप शुरू हो गए। आपका 1 या 2 घंटा गया इसमें। अब उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया और फिर एक दोस्त ने आपको फोन किया, अरे यार चल आज ये मूवी देख के आते हैं। आपने सोचा चल ठीक है मूवी देख के आकर पढ़ लूंगा। मूवी देख के घर लौटे, लंच किया और फिर बस बुक लेके आप बैठे। इतने में नींद आना चालू, और आपने कहा वैसे भी इतनी नींद आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चलो यार एक पावर नैप ले लेता हूँ, उसके बाद पढ़ लूंगा। और फिर शाम को नींद से उठकर वही चीज रिपीट। दिन के एंड तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ। मेरे साथ तो बहुत बार ये चीज हुआ है, और मेरे ख्याल से ये घर घर की कहानी है। अब इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? हमारे लाइफ में मेनली 2 तरह के काम होते हैं, एक जो कि हमें अर्जेंट लगता है लेकिन असल में जो काम इम्पोर्टेंट नहीं होते, जैसे कि ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक करना या फेसबुक या मेल चेक करना, किसी दोस्त को कंपनी देना, ये सारे काम हमारे अंदर एक अर्जेंसी वाला फीलिंग्स क्रिएट करता है जो कि असल में एक धोखा है। हमारे मन को इन चीज़ों में मज़ा आता है, इसीलिए हम ये सारे काम करने के लिए खुद को ये फेक लॉजिक दिखाते हैं। और दूसरी तरफ है इम्पॉर्टेंट काम जो कि हम लोगों को उतना अर्जेंट नहीं लगता है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, क्योंकि इन चीज़ों में हमारे मन को मज़े की जगह तकलीफ होता है, इसलिए हम इन चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं और तब तक नहीं करते जब तक कि ये चीज़ें भी हमारे लिए अर्जेंट नहीं बन जाते। एग्ज़ाम से पहले दिन में 8-10 घंटे पढ़ लेते हैं, तबीयत खराब होने लगे तब जाके एक्सरसाइज करने का ख्याल आता है। मतलब हम लोगों की एक हैबिट हो गई है पुट द फर्स्ट थिंग लास्ट, जिस वजह से हम लोग हर रोज नए नए प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं। अब अगर इसकी कोई एक सलूशन है तो बस वो एक ही है, हम लोगों के इस हैबिट को बदल कर उस जगह पर एक नया हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा, वो है हैबिट नंबर 3, पुट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब ये तो समझ आ गया कि इस हैबिट को क्यों डेवलप करना है, अब देखते हैं कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है। आप शायद जानते ही होंगे हम लोगों की विल पावर एक बैटरी के जैसा होता है, सुबह वो फुल चार्ज रहता है, फिर जैसे जैसे दिन निकलता है विल पावर कम होने लगता है। अब जिन चीज़ों में हमें मज़े की जगह दर्द होता है, उन चीज़ों को अगर हमें डेली बेसिस पे करना है, और करना तो है ही अगर अच्छे रिजल्ट्स लाना है तो फिर हमें बहुत विल पावर की ज़रूरत है। इसीलिए हमें सबसे पहले एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाना पड़ेगा जिसमें क्लियर तरीके से डिफाइन होगा किस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कितना है, ताकि हम सुबह उठते ही फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलना शुरू ना कर दें। जैसे कि हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ में गड़बड़ हुई तो फिर हम किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सुबह उठते ही हमें सबसे पहले हमारे प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करना है, उसके बाद पढ़ाई या फिर कोई और दूसरा सेकेंड इम्पॉर्टेंट काम। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी चीज़ की इम्पोर्टेंस आपके लिए कितना है। ऐसे ही एक एक करके हमें प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग काम खत्म करते जाना है, और अगर ऐसे हम जल्दी सारे इम्पोर्टेंट काम खत्म कर लेते हैं, फिर हम उन सारे सो कॉल्ड अर्जेंट काम फेसबुक, व्हाट्सएप, वो सब भी कर सकते हैं। इससे आपका प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सुबह जल्दी उठिए या रात को जल्दी सोने जाइए, मैं बस इतना कह रहा हूँ आप सुबह जब भी उठे तब से आप बस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे काम को एक एक करके ख़त्म करते जाइए, ताकि आप हर रोज़ हर एक इम्पॉर्टेंट काम को बिना किसी एक्सक्यूज़ दिए ख़त्म कर सको, और वो सारे इम्पॉर्टेंट काम कभी भी अर्जेंट में कन्वर्ट होके आपके लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर पाए। ये चीज़ें मैंने 7 Habits of Highly Effective People बाय स्टीवन कोवी बुक की हैबिट नंबर 3 से सीखा है। अगले वेडनेसडे को फिर लौटाऊंगा नया एक टॉपिक लेके। कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलें। शुक्रिया।